स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक मेरे को कुछ ऐसा लाभ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि मेरी भी जितनी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे रैंक बनते हैं तो वो मेरे को एटलीस्ट ऑफर किया जाए। हमारे पिछले सीएम थे, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उनसे भी मांग की थी एंड अभी वाले आम आदमी पार्टी से भी मांग की है। सरकारें बदले जा रही हैं लेकिन मांग सेम है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद हारता है एथलीट भी। काफी इमोशनल मोमेंट था लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया, तो उस बात की मेरे को खुशी है और मैं काफी प्राउड हूँ। एंड आगे जाके और ज्यादा मेरे को एक एनर्जी मिली है कि मैं और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता हूँ फ्यूचर में और भी काफी सारे अच्छे इवेंट्स में, जैसे अभी 2 साल में एशियन गेम्स आ रही हैं या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए और बेहतर से मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। मेरे को लगता है दिन मैटर करता है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ है एंड वो मैं अच्छे से करूंगा। कर्म पे ध्यान देखते हुए एंड फल की इच्छा ना करते हुए देखेंगे। कारण हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं, लेकिन उस दिन का वही बेस्ट था मैं कहूंगा। एंड मैं नहीं कहता कि मेरी तरफ से कोई कमी रही है। स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक मेरे को कुछ ऐसा लाभ नहीं हुआ है। जैसे उन्होंने मेरे को पहले भी 2022 में भी प्रॉमिस किया था, हमारे सीएम भगवंत सर ने, भगवंत मान जी ने, और हमारे उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मीत हेयर, तो उन्होंने कहा था कि नौकरियां दी जाएंगी या फिर कुछ भी, लेकिन अभी तक कभी हुआ नहीं। मैंने उनको काफी बार चिट्ठी भी लिखी लेकिन मेरे को रिप्लाई में यही आया कि अभी वेट करो, अगर एडवर्टीजमेंट निकलेगी तो आप भर दीजिएगा। तो इस मामले में थोड़ा सा निराशाजनक ही रहा है काम एंड मैं आशा करता हूं कि अभी वो थोड़ा देखें, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे एथलीट के करियर के लिए। एंड थोड़ा सा जैसे 4th रैंक बहुत ही क्लोज होता है मेडल के एंड इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो मैं चाहता हूं कि वो देखें और मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए, जैसे पिछली बार ओलंपियंस को जो फाइनल में आए थे या फिर 4th या 6th रैंक आया था जिनका, उनको 50-50 लाख तक दिए थे, तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ वो करें। एंड उस टाइम की पॉलिसी जो डिफरेंट थी वो कह रहे थे, तो उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार भी कोई अभी तक नौकरियां या फिर कुछ नहीं दिया गया। मैं 2022 में वर्ल्ड कप गोल्ड था, वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम गोल्ड मेरी लेके आई थी, और 2023 में मैं एशियन चैंपियनशिप में कोटा लिया था और सिल्वर इंडिविजुअल और टीम गोल्ड था, और इस साल भी मेरा वर्ल्ड कप में मिक्स टीम मेरी जो टीम थी उसमें सिल्वर आया एंड इस साल की एशियन चैंपियनशिप में भी मेरा ब्रॉन्ज आया। तो मेडल्स तो मेरे को लगता है काफी हैं, मैं गिनवाने शुरू कर दूं तो कोई अंत नहीं है। मैं कहूंगा नौकरी जो है वो मेन चीज होती है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि उससे फिर वो निश्चिंत होकर अपनी गेम पे ध्यान दे सकते हैं। तो मेरी गेम की बात की जाए, जैसे अवनीत मैम है, अवनीत कौर सिद्धू, वो भी ओलंपियन रहे हैं एंड उनको डायरेक्ट DSP लगा दिया था जैसे ही वो खेल के ही आए थे। एंड और हैं अंजुम मुडगिल हैं, उनको 2017 में सब इंस्पेक्टर लगाया था, तब वो ओलंपिक नहीं खेले थे लेकिन एशियन में उनका कुछ था, एशियन चैंपियनशिप शूटिंग की में मेडल था। तो मैं चाहता हूं कि मेरी भी जितनी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे रैंक बनते हैं तो वो मेरे को एटलीस्ट ऑफर किया जाए और फिर उससे मैं आगे और ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ शूटिंग पे। डेफिनेटली हमेशा करता आया हूँ, 2022 में भी करी थी एंड हमारे पिछले सीएम थे, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उनसे भी मांग की थी एंड अभी वाले आम आदमी पार्टी से भी मांग की है। तो सरकारें बदले जा रही हैं लेकिन मांग सेम है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद हारता है एथलीट भी। तो क्या खिलाड़ियों को उस तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा एंड पहले मैं डेफिनेटली उम्मीद में था कि कुछ ना कुछ होगा, अभी थोड़ा धीरे धीरे उम्मीद भी खत्म ही होती जा रही है। सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, एटलीस्ट जैसे हम ओलंपिक ही गए हैं, पंजाब के 7 शूटर ही थे एंड किसी को ऐसे, सभी स्टेट्स के सीएम ने उनको चेयर अप किया था, मिले थे एंड ऑल द बेस्ट करा था, तो हम पंजाब वालों को कुछ भी नहीं करा, ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ना ही सीएम ने, और खेल के भी आए हैं, अगर अच्छा हुआ बुरा हुआ, बाकी सीएम और स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहां पे एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे और पंजाब के कहीं भी कुछ नहीं, कोई भी दिखता, तो कहीं ना कहीं
अगर वो ब्लेम करते हैं कि हमारे पंजाब से स्पोर्ट्स खत्म हो रही है, तो योगदान हमारे मंत्रियों का भी है मैं कहूंगा, क्योंकि सारे जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या तो वो स्टेट बदल गए हैं या फिर वो देश ही बदल गए हैं। तो ये चीज उनको मैंने 2022 में भी बोली थी कि खिलाड़ी हमारे छोड़ते जा रहे हैं, हमारी स्टेट छोड़ते जा रहे हैं और कैलिबर इतना ज्यादा है, तो उनको अभी भी मेरे को लगता है कि इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। आशा है मेरे को अभी भी थोड़ी सी उनसे, तो करेंगे तो अच्छा होगा। वही मैं जैसे कि बताया कि काफी ज्यादा होप जो है वो टूटती है, और फिर निश्चिंत होकर हम गेम पे ध्यान नहीं दे सकते। एंड हमेशा ऐसा चलता रहता है कि अगर मेरी गेम खराब हो गई तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं जीवन में क्या करूंगा, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी क्या है, मेरी अगर इंजरी हो गई तो मैं क्या करूंगा। अगर डाइट की ही मनी चाहिए तो डाइट की मनी कैसे चाहिए, तो वो सब मेरे को लगता है एक अगर जॉब सिक्योरिटी हो तो फिर निश्चिंत होकर खिलाड़ी अपनी गेम पे ध्यान दे सकता है। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे अलग अलग खेल में भी बहुत है, एंड मैं चाहूंगा कि सभी का ही ख्याल किया जाए। मेरे मम्मी पापा मिडिल क्लास से हैं, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, और उन्होंने जो भी उनके से हो सकता था उन्होंने हमेशा किया। मेरे को याद है जैसे शूटिंग मैंने छोटे होते स्कूल टाइम पे स्टार्ट करी थी, तो मेरा खाना पैक करके मम्मी स्कूल लेके आते थे, तो हम रिक्शा से जाते थे शूटिंग रेंज के लिए, एंड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल के दिन थे वो भी सब। एंड मेरे जब तक स्पॉन्सर नहीं मिले मुझे, जैसे कि ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, या फिर मैं बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल नहीं लाया, तब तक मेरे को बाहर से कोई फाइनेंशियल एड या फिर कुछ नहीं मिली थी, तब तक मेरे पेरेंट्स ने ही सारा जिम्मा उठाया, एंड अभी तक भी वो उठाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरी भी उम्र हो रही है एंड आगे जाते जाते मेरे को अपने पैरों पर भी खड़े होना है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ सरकार मेरे को इस योग्य कर दे कि मैं उनके ऊपर इतना प्रेशर ना हर टाइम क्रिएट करके रखूं। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सारी जगह, क्योंकि जाने को तो मैं किसी और स्टेट में भी जा सकता था, जैसे राजस्थान अच्छा ऑफर करती है, या फिर मैं उड़ीसा चले जाऊं, या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट में जा सकता हूँ इस टाइम, लेकिन पंजाब से लगाव है इसलिए मैं पंजाब के हमारे CM को बार बार बोलता हूँ कि करिए आप कुछ। वो हमेशा हौसला देके हमें रखते हैं लेकिन हौसला तोड़ भी देते हैं। युवा का तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि अपना जो आप चाहते हैं जीवन में करना, जिसमें आपकी रुचि है उसमें आगे बढ़िए एंड अपना 100% दो। नशे बहुत ज्यादा फैल रहे हैं हमारे पंजाब में एंड डायरेक्शन लेस है यूथ, तो मैं कहूंगा कि जहां पे आप ध्यान आपका लगता है, जिस चीज में आपको अच्छा लगता है, मनोरंजन चाहे हो, चाहे जिस चीज में भी आपको लगे कि ये चीज मैं 24 घंटे करता रहूं, तो उसमें आगे बढ़ें अपना और नशों से दूर रहें। बच्चे तो निकल पा रहे हैं लेकिन वो स्टेट से ही बाहर निकल रहे हैं, तो जो पंजाब के अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो निकल चुके हैं डेफिनेटली, लेकिन दूसरी स्टेट्स को और दूसरी कंट्रीज को। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब के पास कैलिबर नहीं है, कैलिबर बहुत है, लेकिन वो बंट गया है कहीं और। हाँ जी बिल्कुल, पिछले कुछ सालों से, मैं कहूंगा 10 सालों से शायद, ये घटता ही जा रहा है एंड आगे जाते जाते मेरे को और फ्यूचर अभी अच्छा तो दिख नहीं रहा। कैसे सुधारा, कैसे जा सकते? सुधारा डेफिनेटली सरकार जो भी है करंट हमारी आम आदमी पार्टी की है, और मैं कहूंगा उनको CM को कि जैसे जो अच्छे एथलीट्स हैं उनको नौकरियां दें, कैश अवार्ड्स दें, जिससे कि वो भी आगे प्रचार करें कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है, हमें देख के नए नए जो बच्चे होंगे वो भी स्पोर्ट्स लेंगे कि ये देखो स्पोर्ट्स करने से हमें सिक्योरिटी भी मिलती है, जॉब भी मिलती है, कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं, तो फिर वो स्पोर्ट्स में आएंगे। अदरवाइज वो तो फिर जैसे बाहर सब जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज वैसे ही जाएंगे, तो ये एक स्टेप है जो कि लिया जा सकता है।